चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अपने पास है सेवन टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक वन ऑफ़ देम द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी वेल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम एंड कैरिड अवे द स्ट्रीम टू गेट गेट टू बी वॉज द वेलोसिटी यू ऑफ दिसम डेस्टिनेशन साइमलटे और अपन को स्विमर की दे है विद वाटर, ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन को पहले एक बार uh, समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है फिर अपन उसको सोल्व कर लेते हैं देखो ऐसे बोला जा रहा है कि ऐसे एक रिवर है और दोनों के दोनों जो स्विमर है वो ए पॉइंट से चलना चालू करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली exactly जो सामने पॉइंट है बी पे तो एक स्विमर तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे तैरता है किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और दूसरा जो स्विमर है वो अगर ऐसे तैरने की कोशिश करेगा तो जो धारा होगी ना ऐसे प्रवाह वो इसको इधर लेके चला जाएगा और ये यहां पे पहुंच के वापस यहां पे आ रहा है तो इसको दौड़ के वापस से बी पॉइंट पे आना पड़ेगा कुछ स्पीड यू से है ना अब इसमें बोला जा रहा है कि जो ए से बी पॉइंट पे डायरेक्टली पहुंच रहा है वो मान लो पी है और यहां से यहां तक पहुंचने वाला और वापस से पलट के आने वाला लट से वो क्यू है है ना तो पी और क्यू जो है वो ए के साथ पॉइंट बी पे पहुंच रहे हैं ऐसे बोलना चाह रहा है तो दोनों की स्पीड अपन को गिवन है है ना और बोला गया है कि अपन को यू बताओ कितना है कि जब वो ग्राउंड पे दौड़ रहा है ना बी पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचने के लिए ना पी और क्यू जो है वो सेम टाइम पे इस पे पहुंचेंगे पी डायरेक्टली पहुंचेगा और जो क्यू है वो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे दौड़ते हुए बी पे आएगा ठीक तो इसको सोल्व करना चालू करते हैं देखो तो अपन को बोला गया है जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे, वैसे अपन बना लेते हैं ये हो गया अपने पास रिवर और ये पॉइंट हो गया अपने पास ए और ये पॉइंट हो गया अपने पास बी जो है वो अपन को टू स्विमर्स लीव दैंक किए रखा है ना ओके विड्स अपन को नहीं गिवन इसका मतलब अपन को जरूरी भी नहीं है रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ने वाली तो लेट्स से दैट इज डी ठीक है तो पहले मैं पी स्विमर की बात करता हूं है ना जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली ऐसे जा रहा है तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आ गई अपने पास वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दैट इज इक्वल्स टू टू मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आर दू किलोमीटर पर आर है ना तो ये जो पी है उसको बात है कि इस तरीके से स्विम करना पड़ेगा है ना और लस से कि ये एंगल कितना है थीटा हो गया है ना कोई भी एंगल मान सकते हो इससे भी मान सकते हो उससे भी मान सकते हो ठीक तो अब अगर मैं और यहां पे देखो एक वेलोसिटी रिवर जो है उसकी भी आएगी यहाँ पे ये रिवर की वेलोसिटी है ना और ये हो गई अपने पास पी की वेलोसिटी ये पी है है ना तो पी इस तरीके से तैर रहा है कि वो रिवर की जो वेलोसिटी का इफेक्ट है उसको वो नलिफाई कर रहा है है ना तभी तो वो सीधा का सीधा जा पा रहा है ऊपर है ना तो यहां से देखो वीपी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज वीपी sin थीटा और वीपी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वीपी कॉस थीटा ठीक अब ये जो वीपी कॉस थीटा है वो तो इस स्विमर को क्रॉस करवा रहा है रिवर और वीपी साइन थीटा जो है वो वी को कैंसिल आउट करवा रहा है इसका मतलब जो वीपी साइन थीटा है दिस शुड बी इक्वल टू वी तभी तो इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा तो अपने पास जो साइन थीटा की वैल्यू है वी आर गिवन है अपन को टू और वीपी गिवन अपन को टू है ना तो यहां से अपने पास ये हो जाएगा फोर और फाइव अगर मैं इससे काट देता हूं तो थीटा की जो वैल्यू हो गई ये हो गई अपने पास फिफ्टी थ्री डिग्री ठीक है ना मतलब इसको वर्टिकल डायरेक्शन से फिफ्टी थ्री डिग्री पे स्विम करना पड़ेगा अगर ये फिफ्टी थ्री डिग्री पे स्विम कर रहा है और ये ऐसे जा रहा है तो वीपी कोस थीटा जो है वो अपने पास देखो कितना बनेगा इसको टाइम जो क्रॉस करवाने में लगाएगा वो आएगा अपने पास वी साइन है ना तो टाइम जो लगेगा इसको क्रॉस करने का वो आ जाएगा टी इक्वल टू देखो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इसको डी और स्पीड कितनी है वी, पी, तो डी डिवाइड बाय टू पॉइंट फाइव और कोस फिफ्टी थ्री होता है अपने पास थ्री बाई फाइव है तो थ्री बाई फाइव तो इसको लिख लेते हैं अपन दैट इज ये कट जाएगा अपने पास इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं फाइव डिवाइड बाय सेवन पॉइंट फाइव ये डी इतना टाइम लग रहा है ना अब ये बात तो हो गई अपने पास पी की अब अपन बात करते हैं क्यू की अब क्यू जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ऐसे आगे की तरफ जाएगा लेकिन रिवर के रेस्पेक्ट में वो ऐसे तैरना चाह रहा है ऐसे तैरना चाह रहा है ये दैट इज वेलोसिटी ऑफ क्यू और वेलोसिटी ऑफ क्यू और वेलोसिटी ऑफ पी दोनों सेम है और रिवर ऐसे है अब देखो अब ये केवल केवल क्यू की स्टडी हो रही है ना अब वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है और वेलोसिटी ऑफ क्यू जो है वो ऐसे है मतलब स्विमर जो है वो ऐसे अपने हाथ पैर मार रहा है ठीक तो ये जो वी क्यू है उसका कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन में नहीं आ रहा डायरेक्शन मतलब पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कौन? इसकी VQ, ना? तो ये जो Q है, वो ऐसे तैरता हुआ इस पॉइंट सम सी पे पहुंच जाएगा और इस डायरेक्शन में जो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी दट इज वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी है है ना ग्राउंड से जो देखने वाला आदमी है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vr स्क्वायर प्लस vq स्क्वायर तो यहां से और यहां तक का जो इसको टाइम लगा है ना यहां से यहां तक का जो टाइम लगा ये तो अपने पास टाइम हो गया p का है ना और यहां से और यहां तक का टाइम चाहिए मेरे को तो q के लिए बात करते हैं टाइम q फ्रॉम A to C. तो तो देखो इसको इसको करवा रहा है है तो मतलब D by इतना लगेगा इसको. सो नहीं, ये आर के अंदर किलोमीटर पर आर में है, तो आर के अंदर है. ठीक है अब अपन को चाहिए कि बात है डी डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव जो है वो इस फाइव डी डिड बाई सेवन पॉइंट फाइव से और बात है कम होगा ना अब कितना कम होगा उतने समय में ये जो क्यू है वो दौड़ते हुए इधर आएगा कितनी स्पीड से u जितना टाइम का डिफरेंस होगा दोनों के दूसरे किनारे पहुंचने में उतने टाइम में जो क्यू है वो यहां से यहां पे पहुंच जाना चाहिए है ना तो पहले तो अपन को ये डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, ना? और ड्रिफ्ट को मैं बोल देता हूं, इस किनारे पे ना पहुंच जाए तब तक बहाती रहेगी ना ये इसको तो ये किनारे पे कितनी देर में पहुंच रहा है उतनी देर में तो ये बहा बहाके आगे कितना लेके चला जाएगा ये ड्रिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल्स टू डी मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई डी डिट फाइव मतलब कितना इतना ड्रिफ्ट आ गया ठीक है इतना आगे चला गया वो अब इसको वापस से भाग के आना है बी पॉइंट पे है ना तो भाग के आएगा तो लेट्स से कि कितनी स्पीड से रहा है यू और कितने टाइम में दौड़ना चाहिए जितना दोनों का टाइम का डिफरेंस है तो डिफरेंस कितना आ गया देखो डेल्टा टी इक्वल टू फाइव डी डिवाइड बाय सेवन पॉइंट फाइव माइनस डी डिवाइड बाय टू पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव इज एल्सियम और ये हो गया अपने पास फाइव डी माइनस थ्री डी तो ये हो जाएगा अपने पास टू डी डिवाइड बाय सेवन पॉइंट फाइव तो इतने समय में यू स्पीड से कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है फोर डी डिवाइड बाय फाइव ठीक है ना तो अपने पास जो फोर डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है एक्सेलरेशन वगैरह तो तो वैल्यू जो है वो आ जाएगी फोर मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई फाइव तो जो कटता है काट देते हैं देखो ये कट गया दो और ये कट जाएगा अपने पास 1.5 तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर शुड बी 3 किलोमीटर पर आवर मतलब ये जो Q है जब वो यहां पे पहुंचता है सी पे तो उसको 3 किलोमीटर पर आवर से इधर दौड़ना पड़ेगा B पे पहुंचने के लिए जब P B पहुंच जाए है ना तो P और Q जो है वो साथ में पहुंच रहे हैं, B पॉइंट पे ठीक है तो, तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन